फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो हम बात करेंगे मैक्सिकन लीग के मैच के बारे में जो गाइस खेला जाएगा यहाँ से एटलस और पाचोका के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों के हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और ध्यान से देखना, ओके। तो अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। और हाँ दोस्त, इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी ना वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कॉमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ओके। तो अब नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। तो गाइज एटलस मैक्सिकन लीग में फिलहाल के टाइम पर 5th पोजीशन पर है, वहीं पर बात करें पाचोका फिलहाल के टाइम पर 2nd पोजीशन पर है। तो गाइज इन दोनों टीमों जो पोजीशन है ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलती है। तो गाइज अब बात आती है कि इन दोनों टीमों में हम किस टीम को अपनी ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान चले। तो गाइज मैं फिलहाल के लिए एटलस को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये टीम प्रीवियस सीजन इस लीग में 2nd पर फिनिश की थी और पाचोका जो कि इस लीग की काफ़ी निचले स्तर की टीम थी। और फिलहाल के टाइम पर अगर देखा जाए तो एटलस ये मैच अपना होम ग्राउंड में खेलेगी और ये टीम जब भी अपना होम ग्राउंड मैच खेलती या तो मैच को विन करती या मैच को ड्रॉ खेलती, लेकिन मैच को जल्दी से लॉस नहीं करती। तो इसलिए मैं इस टीम को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन गाइस हम बात करेंगे जब ये दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलते हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से। तो गाइस इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट 5 हेड टू हेड मैच खेल गए, जिनमें से एटलस ने इस टीम के सामने 2 मैच विन किए हैं और 1 मैच ड्रॉ भी खेला, सिर्फ 2 मैच लॉस किए हैं। अटैकिंग वाइज 0.6 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 0.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब जब एटलस पाचोका के सामने खेलती है तो प्रत्येक मैच में ये टीम प्रत्येक 2 मैच में सिर्फ 1 ही गोल कर पाती है, लेकिन डिफेंस ये टीम प्रत्येक मैच में गोल कंसीड नहीं करती, बल्कि आप मान सकते हो तो ये टीम प्रत्येक 2 मैच में भी 1 ही गोल कंसीड करती है। तो परफॉर्मेंस अटैक से लेकर डिफेंस तक, मैच को विन करने से लेकर मैच को ड्रॉ खेलने तक, तो कहीं ना कहीं एटलस का ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया, वो मैच एटलस पाचोका का होम ग्राउंड में 1-0 से विन कर गई। अटैकिंग वाइज एटलस ने उस मैच में 1 गोल करा, लेकिन डिफेंस से गोल कंसीड नहीं किया। लेकिन उससे भी मुकाबला फिर इन दोनों टीमों के बीच मैच हुआ और उस मैच को भी फिर से एटलस 1-0 से विन कर गई। अटैकिंग वाइज फिर से एटलस ने उस मैच में 1 गोल करा, लेकिन डिफेंस से गोल फिर से कंसीड नहीं किया। तो परफॉर्मेंस अगर रिसेंट के 2 मैचों में देखा जाए तो यहाँ से एटलस का काफ़ी शानदार देखने को मिलता है अटैक से लेकर डिफेंस तक। लेकिन उससे पिछले 2 मैच इन दोनों टीमों के बीच में और हुए और उन 2 मैच को पाचोका विन किए। अटैकिंग वाइज पाचोका ने उन मैच में गोल स्कोर किया, लेकिन डिफेंस इस टीम के सामने गोल कंसीड नहीं किया। लेकिन उसे भी मुकाबला फिर इन दोनों टीमों के बीच में 1 मैच और खेला गया और इन दोनों टीमों ने उस मैच को अटैक मैच ड्रॉ खेला। दोनों टीमों ने उस मैच में 1 गोल किया, लेकिन डिफेंस 1 गोल कंसीड किया। तो परफॉर्मेंस अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों टीमों ने 2-2 मैच विन किए हैं और 2-2 मैच इन दोनों टीमों ने लॉस किए हैं और 1 मैच इन दोनों टीमों ने ड्रॉ खेला। तो परफॉर्मेंस इक्वल ही देखने को मिलता है अटैक से लेकर डिफेंस तक और मैच को विन करने से लेकर मैच को ड्रॉ खेलने तक। तो गाइस रीसेंट के 2 हेड टू हेड मैच एटलस की तरफ जाते हैं, तो इसलिए मैं इस टीम को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन गाइज हम बात करेंगे इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम पर जो परफॉर्मेंस है हम एक बार उस पर भी हम नज़र डालते हैं। तो गाइज एटलस ने करंटली खेले हैं 6 मैच, जिनमें से 2 मैच विन करे हैं और 3 मैच ड्रॉ खेले हैं, सिर्फ 1 ही मैच लॉस किया। अटैकिंग वाइज 1 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 0.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब ये टीम ऑन एन एवरेज पर मैच में 1 गोल कर देती है और कभी कभी ये टीम पर मैच में गोल भी नहीं कर पाती, लेकिन डिफेंस ये टीम प्रत्येक मैच में जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती। बेहतर टीम के सामने पर मैच में गोल कंसीड करती है, वरना हल्की टीम के सामने ये टीम गोल तक कंसीड नहीं करती। तो परफॉर्मेंस अटैकिंग वाइज अच्छा है, लेकिन डिफेंस उससे भी बेहतरीन देखने को मिलता है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच एटलस क्लब तिजोना के सामने ये टीम 2-0 से मैच को लॉस कर गई। अटैकिंग वाइज इस टीम ने गोल नहीं किया, बल्कि डिफेंस से 2 गोल कंसीड किए और उससे पिछले 3 मैच इस टीम ने खेले और 3 मैच इस टीम ने ड्रॉ खेले हैं और 1 मैच डिफेंसिव वाइज ड्रॉ खेला, 2 मैच इस टीम ने अटैकिंग वाइज ड्रॉ खेले हैं। लेकिन उससे पिछले 2 मैच इस टीम ने 2-1 और 2-0 से विन भी किया। तो परफॉर्मेंस अगर रिसेंटली देखा जाए तो एटलस का काफ़ी शानदार रहा है अटैक से लेकर डिफेंस तक। लेकिन हम बात करेंगे पाचोका का जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम जो परफॉर्मेंस है एक बार हम उस पर भी नज़र डालते हैं। तो गाइस पाचोका ने करंटली खेले हैं 6 मैच, जिनमें से 4 मैच विन करे हैं, 1 मैच ड्रॉ खेला और इस टीम ने भी 1 ही मैच लॉस किया। अटैकिंग वाइज 2.3 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 1.3 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब ये टीम फिलहाल के टाइम पर प्रत्येक मैच में कम से कम 1 और कभी कभी ये टीम पर मैच में 2 या 3 गोल भी स्कोर कर देती है, लेकिन डिफेंस भी ये टीम
कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में एक और कभी कभी तो एक बेहतर टीम साउंड पर मैच में दो गोल तक कंसीड कर देती है। तो परफॉर्मेंस अटैकिंग वाइज अच्छा है लेकिन डिफेंस से भी कहीं ना कहीं गोल कंसीड कर रही है। अब बात करें जो पिछला मैच मजार्टलन के सामने ये टीम 3-1 से मैच को विन करके आ रही है। अटैकिंग वाइज 3 गोल करा लेकिन डिफेंस से 1 गोल कंसीड किया और उससे मुकाबला क्लब अमेरिका के सामने टीम 3-1 से फिर से मैच को विन कर गई। अटैकिंग वाइज फिर से 3 गोल किया लेकिन डिफेंस से 1 गोल कंसीड किया और उससे मुकाबला पाचोका कोरेतारो एफसी के सामने अटैकिंग वाइज ड्रॉ के लिए और नेकाक्सा के सामने भी इस टीम ने 3-1 से मैच को विन किया और 2-1 के सामने मतलब 2-1 से इस टीम ने क्लब लियोन के सामने मैच को लॉस किया है और फिर चिवास के सामने ये टीम 2-1 से विन भी किए। तो परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो इस टीम का अटैकिंग वाइज काफ़ी शानदार है। प्रत्येक मैच में इस टीम ने गोल किया भी है और डिफेंस से भी कहने के प्रत्येक मैच में 1 या 2 गोल पर मैच को कंसीड भी कर देती है। तो गाइस फाइनली अब बात आती है, अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर नज़र डाली, फिर इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैचेस पर नज़र डाली, फिर इन दोनों टीमों के रीसेंट फॉर्म पर भी नज़र डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर भी करें कि कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा है इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइस पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग दोनों टीमों को देखा जाए तो फिलहाल के टाइम पर दोनों टीमों की जो पोजीशन है वो सेम लेवल के देखने को मिलती है, लेकिन प्रीवियस सीजन पोजीशन के अनुसार देखा जाए तो यहाँ से एटलस एक बेहतर टीम देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू पाचोका। लेकिन हेड टू हेड में देखा जाए दोनों टीमों ने परफॉर्मेंस यहाँ पर भी इक्वली किया है, अटैक से लेकर डिफेंस तक, मैच को विन करने से लेकर मैच को ड्रॉ खेलने तक, तो यहाँ पर भी आपको सेम ही टीम देख मतलब सेम ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एटलस ने मैच ड्रॉ ज़्यादा खेले, मैच को विन किया है लेकिन एक मैच इस टीम ने लॉस किया और पाचोका ने मैच को विन भी किया है और प्रत्येक मैच में गोल स्कोर भी किया है और डिफेंस गोल कंसीड भी किया और एक ही मैच इस टीम ने भी लॉस किया। तो यहां पर अगर देखा जाए तो हल्की सी फेवर पाचोका देखने को मिलती है। तो फाइनली गाइज अब बात आती है, अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो गाइज मैं मान के चला हूं कि इस मैच में एटलस एक ही गोल करेगी, क्यों, क्योंकि यह मैच इस टीम का होम ग्राउंड में प्लस पाचोका एक बेहतर टीम है और उस टीम के सामने शायद जल्दी से गोल ना भी कर पाए। तो मैं मान के चला हूं कि एटलस इस मैच में अपना होम में कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है और कहीं ना कहीं आपको पाचोका की ओर से भी एक गोल देखने को मिल सकता है, क्यों, क्योंकि एटलस का जो डिफेंस है वो काफ़ी शानदार है और पाचोका का जो अटैक है वो काफ़ी शानदार है, तो अटैकिंग वाइज कहीं ना कहीं एक गोल इस टीम तरफ से आ सकता है। तो इसलिए मेरा इस मैच की स्कोरलाइन प्रेडिक्शन अभी के लिए 1-1 ड्रॉ है और 1-1 ड्रॉ का अकॉर्डिंग ही हम अपनी ड्रीम 11 टीम क्रिएट करने वाले ड्रीम 11 पर। उससे पहले हम बात करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट निकाले हैं। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं एटलस के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नजर डालेंगे पाचोका के जो प्लेयर्स उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितने असिस्ट किए। तो नजर डालते हैं सबसे पहले एटलस के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर सकते हो। और हाँ, इस मैच जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। लेकिन याद ये रहे कि सर्च करके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ लिंक के जरिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। ओके, तो अब बात करते हैं सीधे मुद्दे की प्लेयर वाइज की कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो नज़र डालते हैं सबसे पहले एटलस के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइज एटलस की टीम की तरफ जो फिलहाल के टाइम पर हाईएस्ट गोल टेकर जूली फोर्च इस टीम की तरफ से 9 गोल निकाल चुका और 1 गोल इसने पेनल्टी में किया, तो मेरे हिसाब से मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है, टीम का कैप्टन बना सकते हो, वाइस कैप्टन बना सकते हो और डिफेंसिव पॉइंट भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा दे जाता है। जूलियन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर इस टीम तरफ सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर और पोटेंशियल हाई रखता है गोल करने की, तो इसलिए इनको भी टीम में ट्राई करके चलना। होगो नेरो अगर खेलेगा तो देखेंगे, वरना ड्रॉ भी करेंगे, 90 मिनट खेलने का भी चांस काफ़ी कम रहते हैं, तो इसको मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन डियागो बारबोसा एक ऐसा प्लेयर जो आपको डिफेंडर में देखने को मिले कि लो स्कोरिंग मैच में टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन भी इन्हें दे सकते हो। ओके, यहाँ से ट्रेजो है जिसने 2 गोल निकाले हैं, बाकी लुइस रईस है जिसने 2 गोल किए हैं और बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं सभी का भी आपके सामने रिकॉर्ड है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एल्डोरो का ये पोटेंशियल रखता है मतलब पेनल्टी लेने की, लेकिन अगर जूली फोर्च खेलेगा ना तो जूली फोर्च लेगा और सेकंड चॉइस रहेगी यहाँ से एल्डोरो का, तो इन दो में से कोई एक ही पेनल्टी लेगा, मेरे हिसाब से फर्स्ट चॉइस पेनल्टी अगर यहाँ से जूली रहेगा, तो इसको मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ। ओके, बाकी का आप सामने रिकॉर्ड आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है मैं उनको राइट का टिक कर रहा हूँ और उन्हें आप अपनी टीम में एज ए प्लेयर के तौर पर पिक करके चल लेना। ओके, तो अब बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए हैं इस टीम के लिए, तो नज़र डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइज असिस्ट में हम देखा जाए तो यहाँ से जूली फोर्च जो कि
पांच असिस्ट और हाईएस्ट गोल टेकर जूलियन, जो कि इस टीम तरफ सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर, सेकंड हाईएस्ट असिस्ट टेकर, टोरेस जिसने चार असिस्ट निकाले हैं, लुइस रईस जो कि दो गोल तीन असिस्ट निकाल चुका, एडगर है जिसने तीन असिस्ट निकाले हैं, बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं उन सभी का भी आपके सामने रिकॉर्ड है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट प्लेयर मैं फिर से उनको टिक कर रहा हूँ और उन्हें आप हम टीम में एज ए प्लेयर के तौर पर जरूर पिक करके चलना ही चलना, और कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ से जूलियन में से बना सकते हो। ओके, तो बात आती है जो सेकंड टीम उसके जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो नज़र डालते हैं पाचुका के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस पाचुका की टीम तरफ प्रीवियस सीजन का मतलब फिलहाल के टाइम जो हाईएस्ट गोल टेकर निकोलस इवानेज इस टीम की तरफ से 8 गोल निकाल चुका और असिस्ट गोल पोटेंशियल काफ़ी हाई रखता है, तो ड्रॉप करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, टीम में ट्राई करना, फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर है। विक्टर गुजमान एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको भी हम टीम में ट्राई करके चलना, असिस्ट और गोल पोटेंशियल हाई रखता है। लुइस चावेस जो कि डिफेंसिव पॉइंट देता है और गोल पोटेंशियल ये भी रखता है, और बैकअप में पेनल्टी भी लेता है, तो इस टीम तरफ से कहने का एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। हर्टाडो इस टीम तरफ से 4 गोल कर चुका है, लेकिन कभी कभी ये गोल करता है, और जब मैं टीम में लेता हूँ जब तो कुछ करता ही नहीं है, और जब नहीं लेता तो शायद बैकफायर भी कर जाता है, तो उस कंडीशन में आप ही ट्राई करना। रॉबर्टो डी रोसा ये आपको सेंटर फॉरवर्ड में खेलते नजर आ सकता है, अगर निकोलस नहीं खेलेगा ना तो उस कंडीशन में डी रोसा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। ओके, बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं सभी का भी आपके सामने रिकॉर्ड है, आप चाहते सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है जिनको हमें टीम में ट्राई करके चलना ही चलना, उनको मैं राइट के टिक कर रहा हूँ और उन्हें आप हम टीम में ट्राई करके चल लेना। अब बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए हैं, तो नज़र डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट में देखा जाए तो एरिक सांचेज जिसने 5 असिस्ट किए हैं, विक्टर गुजमान असिस्ट पोटेंशियल है, मैंने बोला गोल पोटेंशियल हाई रखता है, लुइस चावेज जो कि 2 असिस्ट, बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं सभी का भी आपके सामने रिकॉर्ड है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है मैं फिर से उनको टिक कर रहा हूँ और उन्हें आप हम टीम में एज ए प्लेयर के तौर पर पिक करके चल सकते हो। ओके, तो बात आती है इस मैच का अकॉर्डिंग इस मैच में क्या रहनी चाहिए हमारी जो सम्बोलिक टीम है ड्रीम इलेवन पर, तो नज़र डालते हैं इस मैच के 1-1 ड्रॉ का अकॉर्डिंग इस मैच की टीम पर। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, कंटिन्यू आप वीडियो देखते हो, पता नहीं फिर भी क्यों नहीं करते, चलो उम्मीद है कर लेंगे। ओके, तो चलिए नज़र डालते हैं इस मैच के ड्रीम इलेवन की टीम पर। तो गाइस गोलकीपर में आपके सामने 2 चॉइस देखने को मिलेंगे, फर्स्ट चॉइस आपको यहाँ से आपको कार्लोस वर्गास रहेगा और उस्तारी रहेगा, तो मैं उस्तारी को ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि पाचुका का जो अटैक है ना वो काफ़ी शानदार है और गोल सेव करने के जो चांस ज़्यादा रहेंगे ना वर्गास के पास रहेंगे, चाहे तो इन्हें वाइस कैप्टन बना सकते हो अगर आप यहाँ से एटलेस को पूरी तरह फेवर कर रहे हो, कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छा खासा दबावदार। ओके, और शांटमारे जो कि असिस्ट पोटेंशियल हाई रखता है, होगो नेहरो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और यहाँ से मोरेलो अगर खेलता है तो ट्राई करके चलेंगे, लेकिन हम अभी के लिए 2 प्लेयर को जरूर पिक करके चलें, तीसरा आपके सामने मोरेलो। ओके, केविन अल्वारेज आप चॉइस रख सकते हो, डियागो बारबोसा को मैं अपनी टीम में रखूंगा और एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, 3 गोल और 4 मतलब 2 असिस्ट निकाल चुका, तो पोटेंशियल रखता है असिस्ट और गोल करने के। ओके, तो इनको टीम में इसलिए ट्राई करूँगा। कैबरल को आप बना सकते हो अपनी टीम में एज ए प्लेयर के तौर पर पिक कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से एटलेस की तरफ से एक लुइस रईस को पिक करके चलाऊँ, क्योंकि इसका असिस्ट और गोल पोटेंशियल काफ़ी हाई रहता है, तो इसलिए मैं टीम में ट्राई करके चलाऊँ। बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं इनको ज़्यादा मैं सजेस्ट करूँगा, नहीं तो आप इन्हें ड्रॉप ही करना। ओके, तो बात आती है मिडफील्ड में, तो यहाँ से आपके सामने लुइस चावेज है, विक्टर गुजमान है और जल दीवार है, अगर जल दीवार खेलेगा ना तो इसको हम अकॉर्डिंग टू लाइनअप की इसकी पोजिशन देखते हुए ट्राई करेंगे। ओके, इब्रा है और मैं ज़्यादा सजेस्ट बाकी को नहीं करने वाले यहाँ पर, और खास ऐसे प्लेयर हैं जो खेलेंगे तो, लेकिन 90 मिनट कभी नहीं खेलते, और जो 90 मिनट नहीं खेलते ना मैक्सिकन लीग में उसको मैं ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ नहीं हूँ, क्यों, क्योंकि जो ये मैक्सिकन लीग होती है ना वो काफ़ी लो स्कोरिंग होती है और इसमें सेकेंड हाफ में ज़्यादा गोल होते हैं, फर्स्ट हाफ में तो बहुत कम गोल होने के चांस रहते हैं, तो एरिक सांचेज को हम टीम में ट्राई करेंगे। एल्डो रोका जो कि इस टीम तरफ सेकेंड चॉइस पेनल्टी टेकर है, लेकिन 2 गोल और 1 असिस्ट निकाल चुका है, तो टीम में ट्राई करके चल सकते हो, बाकी को मैं ज़्यादा सजेस्ट करने वाले भी नहीं। ओके, तो बात आती है सेंटर फॉरवर्ड में, तो यहां पर आपका अच्छी खासी चॉइस देखने को मिलेंगे, एक निकोलस इवानेज देखने को मिलेगा, हार्टरोड देखने को मिलेगा और जूलियन देखने को मिलेगा और जूलियन फोर्चे देखने को मिलेगा, तो ये आपके सामने चॉइस है और इन चॉइस में से मैं सिर्फ आपको 2 ही कोई सजेस्ट ज़्यादा करूँगा। अब 2 कौन कौन से, मैं यहाँ से जूली फोर्चे को ट्राई करूँगा और निकोलस इवानेज को पिक करूँगा। अब आपके सामने 2 अदर चॉइस बचते हैं, वो आपके सामने हैं, सिर्फ 1 चॉइस बचती है वो है जूलियन। अब जूलियन का सिलेक्शन वेरी लेस है और यहाँ पर देखा जाए तो जूली फोर्चे का भी सिलेक्शन वेरी लेस है, लेकिन मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर तो हैं अपनी टीम तरफ से, तो उनको तो मैं बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करूँगा। ओके, लेकिन यहाँ से आपके लिए पंथ पिक साबित हो सकता है ला डी रोसा,
तब आप यहाँ से ना वो नहीं खेलेगा निकोलस इबानेज, उस कंडीशन में ये सेंटर फॉरवर्ड ग्रुप में देखने को मिलेगा। लेकिन 90 मिनट खेलने का चांस काफ़ी कम है, लेकिन 70 मिनट तो आपको देखने मतलब फील्ड में बिताता हो नजर आएगा। तो उस कंडीशन में ट्राई कर लेना एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन। अब यहाँ से जूलियन को टीम में ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए ड्रॉप करके चलाऊँ क्योंकि हार्ट रोडोग में ज़्यादा सजेस्ट करता नहीं। ओके, तो बात की जाए कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन, अगर मैं मान के चलाऊँ कि एक लो स्कोरिंग मैच होगा तो डियागो बारबोसा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है कैप्टन वाइस कैप्टन लिए, और शांटमारे भी एक अच्छा प्लेयर है। ओके, तो इनको भी वाइस कैप्टन कैप्टन रख सकते हो, लुइस रेस को रख सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा हटके गया हूँ, मैं जूलिया को टीम को कैप्टन बनाकर चलाऊँ और वाइस कैप्टन विक्टर गुजमान को बनाकर चलाऊँ। आप चाहते हैं यूनिवर्सल कैप्टन जो आपके सामने निकोलस इबानेज देखने को मिल रहा है, इनको टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन दे सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए सजेस्ट नहीं करूँ क्योंकि मैं मान के चलाऊँ कि एटलस अपना होम ग्राउंड में खेलेगी और होम ग्राउंड में ये टीम जब भी खेलती है तो डिफेंस काफ़ी मजबूत रहता है, तो इसलिए मैं कैप्टन उसी को बना के चलाऊँ। आप चाहते हैं यहाँ से वाइस कैप्टन चेंज कर सकते हो, आप चाहे तो यहाँ से वाइस कैप्टन बारबोसा को रख सकते हो। ओके, क्योंकि अच्छी खासी चॉइस है, और शांटमारे जो कि डिफेंसिव पॉइंट देता है प्लस गोल असिस्ट पोटेंशियल ये भी रखता है, तो इन दो में से भी किसी आप मतलब किसी एक को आप अपनी टीम को वाइस कैप्टन दे सकते हो। लेकिन याद रहे ये रिकॉर्ड के बेस के अनुसार टीम है, लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू लाइनअप की कौन सी प्लेयर कौन सी पोजीशन खेलेगा उसके अनुसार जो फाइनल टीम रहेगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट देने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए, पसंद आए तो एक लाइक करते जाना, और हाँ मेहनत अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि काफी कम समय में मैं आपके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने के लिए टेक केयर एंड बाय, और फिनिश चैनल वालों के लिए कांग्रेचुलेशन कंटिन्यू विनिंग करने के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।